नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ और आज से फिर चुनावी सरगर्मियों को पीछे छोड़ हमारा भारत लौट रहा है, क्योंकि अगर बड़े शहर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज हमारा भारत में जानेंगे नल जल योजना की जमीनी हकीकत और साथ ही क्यों चोरों से बरामद फोन लैपटॉप के ढूंढे जा रहे हैं असली मालिक। सबसे पहले हमारी बड़ी खबर, बुधवार को कुवैत के मंगफा में इमारत में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई। 49 मरने वालों में 45 भारतीयों को बताया जा रहा है, जिनमें गोरखपुर के 2 युवक शामिल हैं। खबर पहुंचते ही इलाके में गम का माहौल है और दोनों परिवारों का दर्द हर कोई महसूस कर रहा है। कुवैत में लगी आग गोरखपुर के 2 परिवारों के घरों में अंधेरा कर गई। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जैतपुर उत्तरी निवासी अंगद गुप्ता लगभग 8 साल पहले कुवैत गए थे और एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम करते थे। गुरुवार को दूतावास से फोन आया जिसने इस परिवार की जिंदगी ही बदल दी। कुवैत में आग लगने से अंगद की मौत हो गई और ये खबर सुनकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। अंगद के परिवार में वही इकलौते कमाने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। कल हम फोन मिला रहे थे, फोन नहीं लग रहा था, तो हम HD कॉल लगाए, उसके बाद वो भी नहीं जा रहा था, तब हम हेल्पलाइन नंबर पे फोन किए तो वो बताएं, पता होता पूछे तो हम बताएं। फिर 1-2 घंटे के बाद फोन आया उनका, वो लोग बताएं ऐसे ऐसे बात है। वहाँ से एक फोन आया था तो वहाँ बताया गया कि ये बिल्डिंग में आग लगी है और वापस शायद इमरजेंसी में है कि कुछ कुछ हो गया, यही सब बताया गया था। क्या नाम है, कौन सी क्लास पढ़ते जी? मेरा अंशिका नाम है, ग्रेजुएशन हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। अब दुख के साथ चिंता ये भी है कि गुजारा कैसे होगा। बड़ी बेटी ग्रेजुएट है जबकि बेटों की पढ़ाई चल रही है। परिवार ने सरकार से बड़ी बेटी अंशिका को नौकरी देने और आर्थिक सहायता करने की मांग भी की है। गुलरिहा थाना क्षेत्र के मलंग में रहने वाले जयराम गुप्ता कुवैत की NBTC कंपनी में कैशियर थे। आग लगने से एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता से लगभग 1.5 घंटे तक फोन पर बात भी की थी। उन्होंने पत्नी से वादा किया था कि इस बार घर आने पर वो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेकर अपना कारोबार शुरू करेंगे और बच्चों को डॉक्टरी भी पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में सारे सपने स्वाहा हो गए। जयराम पिछले 10 साल से कुवैत में नौकरी करते थे। पिछले साल वो आकर पत्नी के लिए रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलकर दिसंबर में लौट गए थे। रात में कोई बात नहीं, हाल चाल के लिए डेली 11 बजे करते थे जब से दुकान खुली है। सूचना आपको कब मिली थी? जब हम बुधवार को फोन लगाने लगे नहीं मिला, तो फिर दूसरे से हमको पता चला, घंटी जा रही थी फोन नहीं उठा रहे थे, तब हमको टेंशन होने लगा, कहीं मोबाइल छूट जाता था तो दूसरे मोबाइल से कर देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। इलाके में पूरा माहौल गमगीन है। तो कुवैत के भीषण आग हादसे में 45 भारतीयों की मौत हुई है। कुवैत में मरने वालों में सबसे ज्यादा 23 केरल के हैं, 7 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यूपी के 3-3, ओडिशा से 2 मृतक हैं। अब हमारे अस्पतालों की हकीकत। उत्तर प्रदेश के बदायूं के जिला अस्पताल में रात में मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। वजह, यहां 3 दिन से बिजली व्यवस्था ध्वस्त है। मरीजों को CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी में जांच के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में लगे जनरेटर्स अस्पताल के कागजी रिकॉर्ड में ही चल रहे हैं। ऊपर से गर्मी में मरीजों का हाल बेहाल है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। I feel like I'm
मोबाइल से निकलती रोशनी इस बात की गवाही है कि यहाँ मरीज का इलाज कम, उनकी जान जोखिम में ज्यादा है। दिल दिमाग को झंझना देने वाली ये तस्वीर यूपी में बदायूं के जिला अस्पताल की है, जहां बिजली 3 दिन से नदारद है और अस्पताल का सरकारी जनरेटर पूरी रफ्तार से दौड़ता तो है, बिजली भी पैदा करता है लेकिन सिर्फ कागजों में। लिहाजा रियलिटी टेस्ट में मंगलवार की रात मोबाइल की रोशनी ही यहां का कड़वा सच बयां कर गई। बिजली की लचर सप्लाई और अंधेरे और गर्मी से जूझ रहे मरीजों के परेशान हाल चेहरे जैसे ये मान चुके हैं कि इससे बेहतर सरकारी व्यवस्था की उम्मीद अब बेमानी है। हालांकि मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस जिला अस्पताल में अलग से फीडर भी बनाया गया ताकि बिजली की समस्या न हो, लेकिन फीडर में तकनीकी फॉल्ट की वजह से अस्पताल की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हालात ये हैं कि रूटीन में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन और पैथोलॉजी की सामान्य बुनियादी जांच कराना भी मरीजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अस्पताल के जनरल वार्ड और पेइंग वार्ड में भर्ती मरीज की परेशानियों को लेकर जब जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की गई, तो उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में जनरेटर चल रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं, लेकिन उनके दावे तस्वीरों में सारी हकीकत बयां करने के लिए काफी हैं। इस पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को मंगलवार की रात ही दी गई और जैसे ही डीएम ने सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह यादव से बात की, चंद मिनट बाद ही अस्पताल में लगे जनरेटर मरीजों समेत तीमारदारों को भी राहत देने लगे। डीएम मनोज कुमार अस्पताल में जनरेटर नहीं चलाए जाने की जांच कराने को आश्वस्त करते हैं। जांच इस बात की भी होगी कि बिजली की व्यवस्था 3 दिन से खराब थी तो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जी, आज शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल में विद्युत आपूर्ति न होने के कारण वहाँ पर जो मरीज हैं और उनके तीमारदार हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि कुछ जनरेटर से संबंधित इश्यूज थे। सीएमएस से और सीएमओ से बात की गई, उन इश्यूज को सॉर्ट आउट कराया गया और अभी जो सूचना मिली है उसके अनुसार वहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई है और लगातार विद्युत व्यवस्था बनी हुई है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों की सेहत अगर इस कदर बिगड़ी हुई है तो फिर ये देखना भी जरूरी है कि जिले के बाकी सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। एनडीटीवी इंडिया के लिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो हुआ वैसे ही हालात कई शहरों के अस्पतालों में हैं। 14 जून को ले लीजिए, नवादा के अस्पताल में मरीज को टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए गए। वहीं 14 मई को बुलंदशहर के एक अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया गया। 2 मई को मुंबई के एक अस्पताल में फोन की टॉर्च जलाकर महिला की डिलीवरी कराई गई और 23 मई को कर्नाटक के चित्रदुर्गा में मोमबत्ती की रोशनी में हुई मरीजों की जांच। साल 2019 में सरकार ने हर घर नल योजना शुरुआत की थी। मकसद था गांव में जल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर हर परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। इसके लिए लक्ष्य साल 2024 की समय सीमा तय की गई, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हालत यह है कि घरों पर नल लगना तो दूर, पीने के पानी के लिए महिलाओं को 2 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा है। आगर मालवा से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अरे चोर बने जगो ब्या मंडत में आया री जो मारे नहीं थे मामे रारियों से मंडत में आरी जो मारे नहीं थे मामे। ये 4 अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन हर सुबह इनकी हालत एक सी होती है। पीने के पानी का इंतजाम वो भी करीब 1 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करने के बाद। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर पायरी गांव की हैं, जहां 70 साल की उम्र में शामूबाई रोजाना पानी के लिए यही संघर्ष करने को मजबूर हैं। कुएं का पानी बेहद गंदा और बच्चों को बीमार करने वाला है।
पानी जो देखा मैंने अभी आपने जो कुएं में से काफी गंदा है, ये तो किसको कैसे पीते फिर अब क्या करा, मन मान के पीनो पड़े, क्या करा, पानी नहीं हो तो पीनो पड़े, क्या करा भाई, तरस लागे तो पानी भी गंदा पीना पड़े, गंदा पानी से बासन भी मांझना पड़े, गंदो पानी हो तो उनसे भी नहाना पड़े, बताओ। नाबालिग सपना की 6 साल की छोटी बहन कुएं से पानी भरने के दौरान करीब साल भर पहले जान गंवा बैठी, लेकिन सपना का संघर्ष वही है। छोटी वाली बहन 7 हो गई। कैसे? कुएं में पड़ के पानी भरने गई थी तो कुआं में गिर के। हाँ, कुएं में गिरी। कितना उम्र था उनका? वह हो गया 5-6 साल की। 5 साल की ज्योति गुड़िया से खेलने के बजाय 2 छोटे भाइयों के साथ पीने के पानी की पूरी जिम्मेदारी संभालती है, क्योंकि माँ शकुंतला 8 महीने पहले कुएं में गिरकर दुनिया छोड़ गई। आपको भी याद आता है मम्मी का? आता है। तो फिर आपको डर नहीं लगता जब कुएं में पानी भरने जाती हो तो? लगते जाते हैं। डर लगता है? 8 साल के कुणाल छोटे घड़े से कुएं में पानी भरने के लिए आए हैं। ख्वाब डॉक्टर बनने का है, लेकिन कई बार स्कूल छूट जाता है। टीचर बनने का सपना लिए ममता भी इसी संघर्ष में है। पानी भरने आते हैं, फिर स्कूल का आधा समय हो जाता है, फिर कैसे जाए स्कूल। अच्छा, तो उसमें आपका क्लास वगैरह छूट जाता है क्या? छूट जाता है। कितना दूर स्कूल है आपका, कैसे जाती हो आप, क्या दिक्कत आती है? हमारी 9 किलोमीटर दूर स्कूल है, पर जाते नहीं है, फिर पानी भरने जाते। क्यों नहीं जाते हो? बस निकल जाती है। बस निकल जाती है। सरकारी स्कूल में भी आलम यह है कि टंकी लग गई, लेकिन पानी की किल्लत बरकरार है। अब बोरिंग में पानी नहीं है तो पानी कहाँ से आ गया स्कूल में? बोरिंग में पानी नहीं है, 5-2 मिनट भी नहीं चलती है बोरिंग तो। हाँ। बस खाली आती है, जब कर मार के वापस पानी गायब, पानी नहीं है, कहाँ से पिएगा बच्चा बच्ची? विभाग के अधिकारियों के अपने दावे हैं, लेकिन ग्रामीणों को पीने का साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा, इस पर सब खामोश है। गंदा पानी पी रहे हैं सब कुएं का, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं? जैसे हमने उसमें क्लोरीन भी वहाँ पर भिजवा चुके हैं, गंदा पानी नहीं रहेगा, इधर हाइपोक्लोराइड डाल करके वो पानी पीते हैं तो पानी शुद्ध होगा। और वहाँ पर हम लोगों ने करीब 216 बोतल पानी की उसकी हाइपोक्लोराइड की भेज चुके हैं। मध्य प्रदेश में साल 2020-21 में ही करीब 20 लाख नल कनेक्शन देने का सरकारी दावा है। योजना में कहा गया नल जल से जीवन स्तर में सुधार होगा, पानी लेने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, 55 लीटर प्रति व्यक्ति को पीने के पानी की उपलब्धता मिलेगी, खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% की भागीदारी होगी। लेकिन हकीकत ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। सरकार के दावे और हकीकत के बीच में एक लंबी खाई है, जिसे पाटने की बेहद जरूरत है, ताकि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन के साथ जफर मुल्तानी, NDTV। और अब भोपाल का ही रियलिटी चेक कर लेते हैं। भोपाल में 231 ग्राम पंचायत हैं, 68 गांव में नल योजना पर काम हुआ है, 107 गांव में अभी भी इंतजाम राम भरोसे है। सरकार का दावा है कि साल 2025 तक ये सारा काम पूरा हो जाएगा। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में अभी आगे है। असम में क्यों पुलिस मोबाइल और लैपटॉप के असली मालिकों को ढूंढ रही है? हमारा भारत में आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। गुवाहाटी पुलिस ने इन दिनों मोबाइल लैपटॉप जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिस्प्ले पर लगाया हुआ है। चोरों से बरामद इन चीजों की नुमाइश पुलिस क्यों कर रही है, ये जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये महंगे महंगे मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप गुवाहाटी के थानों में पड़े हैं। ये स्थानीय पुलिस ने चोरों से बरामद किए थे, लेकिन इनके मालिकों का पता नहीं चल पाया, इसीलिए ये थानों में पड़े धूल खा रहे हैं। अब पुलिस वालों ने इनके मालिकों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। गुवाहाटी पुलिस ने पिछले 2 महीनों में चोरी के करीब 640 मोबाइल और 14 लैपटॉप जब्त किए हैं। इस सारे सामान की जानकारी गुवाहाटी थाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए साझा की है। लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने अपने सामान की पहचान कर लें, उचित प्रक्रिया के बाद उनका सामान उन्हें लौटा दिया जाएगा।
पुलिस ने कहा है कि जिनका ये सामान है वो थानों से संपर्क करके सबूत दें कि मोबाइल या लैपटॉप उनका है और सामान ले जाएं। 2022 का 31 दिसंबर में वो खो गया था, चोरी नहीं हुआ, खो गया था। फिर हमने रात को FIR किया, तो वेडनेसडे को हमको थाना से बुलाया कि आपका मोबाइल मिल गया है, हमारा ओप्पो ब्रांड का है, मिल गया है। तो हम आके आइडेंटिफाई किया है जो वो हमारा मोबाइल है। फिर आज बुलाया कि आपको फ्राइडे को आना है, हम ले जाएंगे, वहाँ आपको हैंड ओवर दिया जाएगा। वो 2 महीने पहले हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरा मोबाइल जो हुआ है। अच्छा लग रहा है। मार्केट में जो गया था ना, वहाँ पे गुम हुआ था मेरा मोबाइल। ये मुहिम कितनी कामयाब हुई है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन 35 लोगों को अपना खोया हुआ सामान मिल गया। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। हमारा भारत की सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। नमस्कार।